कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते जो लॉकडाउन हुआ है उसमें सबसे अनिवार्य है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग पे हम लगातार एक मुहिम चला रहे हैं। इसी मुहिम के अंतर्गत भारतीय जन मुक्ति संस्था के अध्यक्ष सचिन प्रताप सिंह भदौरिया ने एक पत्र लिखा शासन को, जिसमें उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के मद्देनज़र जो दुकानें खुल रही हैं, जो राशन की दुकानें खुल रही हैं, उन पर इतनी भीड़ हो रही है जिसे संभालना मुश्किल है, उससे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है। इसके अलावा उन्होंने पत्र में लिखा है कि अगर जो वितरक है, राशन वितरक है, अगर वो संक्रमित हुआ तो हज़ारों की संख्या में लोग उसके वाहक हो सकते हैं संक्रमण के। पेश है दर्पण न्यूज़ के लिए खास रिपोर्ट, रमाकांत सागर। भारतीय जनमुक्ति संस्था के अध्यक्ष श्री सचिन प्रताप सिंह भदौरिया के आदेश के अनुसार हम लोग राशन वितरण प्रणाली पर पिछले एक हफ्ते से वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि जब राशन वितरण जब होगा तो उस समय पब्लिक किस कदर टूटती है, वो डिस्टेंस बनाकर बिल्कुल भी काम नहीं करती है। उस जगह पे क्या होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा है कि अगर हम 21 दिन का लॉकडाउन रखेंगे, 21 दिन के लॉकडाउन में अगर अपने घर पे बैठते हैं तो हम खुद को भी सेव कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी सेव कर सकते हैं। अब देखिए, ये राशन वितरण प्रणाली जो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुई है, जो आज से उस राशन वितरण प्रणाली को देखकर आपको कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे हुए हैं। इस तरह से तो हम कोरोना को स्टॉप करने के बजाय उसको स्प्रेड आउट कर रहे हैं। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को उस इतनी सारी भीड़ में अगर किसी व्यक्ति को कोरोना से वो संक्रमित अगर है तो वो व्यक्ति कितने लोगों के कांटेक्ट में आएगा और कितने लोग जब वापस होकर अपने अपने राशन का माल लेकर जब अपने अपने घरों पर जाएंगे तो वो सभी के सभी लोग कितने लोगों में ये कोरोना वायरस स्प्रेड आउट कर देंगे। इससे आप ही मुझे बताइए कि ये जो वायरस है बढ़ेगा कि कम होगा। आप इस अप्रैल के अंत तक देख लीजिएगा, जब तक राशन वितरण प्रणाली का काम चलता रहेगा तब तक कोरोना के कितने केस सामने और आते हैं। और इसके लिए हमारी जो टीम है, हर राशन दुकानदार पे जितनी हमारे पास टीम है, हर राशन दुकानदार की हेल्प करने में लगी हुई है। लेकिन एक हमारे करने से तो कुछ नहीं होता ना, ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी को देखना चाहिए, जिसकी कंप्लेंट इस सूचना को पहले से ही हमने आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, डीएम आगरा, आईजी आगरा, जीजीपी उत्तर प्रदेश लखनऊ में हमने पहले से ही अपने भारतीय जनमुक्ति संस्था की जितनी भी प्रॉब्लम थी उसको एक लेटर पर लिखकर हमने कल ही मेल किया हुआ है इन सभी को और अपने ट्विटर अकाउंट से अवगत भी कराया हुआ है ताकि इस पर एक्शन लिया जाए और इसको जो सोशल डिस्टेंसिंग जो है इसको मेंटेन किया जाए ताकि ये संक्रमण की COVID-19 कोरोना वायरस की चेन ब्रेक हो सके और सभी लोगों का जीवन सुरक्षित हो सके। क्योंकि जितने भी राशन दुकानदार है उनकी स्थिति इतनी खराब है कि उनके पास मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है और वो अपने पास से कैसे सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर इसको नहीं रोका गया तो दृश्य इतना भयानक होगा जिसकी कल्पना करना मात्र अकल्पनीय होगा। बना रहा है काम के सब है चलो चलो अरे भैया इतनी बात मत नहीं खड़े होते हैं, सचिन भाई ने भेजा है हेल्प करने के लिए। दूरी करवा दो भाई साहब, दूरी करवा दो। Thank you.
जान का बात का काट दिखा रहे हैं।